हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पुरानी पिलो कवर के यूज़ से बनाने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़, और आप कोई भी इस कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुर्ती ली हुई है और पिलो कवर लिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो मैंने कुर्ती का एक पार्ट लिया हुआ है जिसको हम डबल करेंगे और स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हम साइज इसका साइड साइड से दोनों कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है और इसको बीच से भी हम हाफ कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको बीच से भी हाफ कर लेंगे तो ये दो अलग हो जाएगा। और इसके बाद हमें कोई भी पिलो कवर का इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास इस कलर का पिलो कवर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ से इसको मैंने साइड से कट कर लिया है, और कट करने के बाद हमें इसकी 3 इंच या 4 इंच की हमें स्ट्रिप्स कट करनी है। तो पहले हम वो कर लेंगे। तो इसको पिलो कवर को मैंने डबल ही किया हुआ है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 2 या 3 स्ट्रिप्स यहाँ पे कट कर ली है। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो एक सारी स्ट्रिप्स हम हटा लेंगे, एक रखेंगे, और उसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी कटिंग कर लें। लेकिन जब जैसा फोल्ड करके कट करेंगे तो ये जल्दी से आपका कटिंग हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, इतनी चौड़ी चौड़ी हमें इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। और फिर उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो इस तरीके से आप 1-1 इंच की यहाँ पे इस तरीके से पीसेस कट कर लें चौड़ाई, और इसकी लंबाई 4 इंच की। तो ये इस तरीके से मैं ज़्यादा से यहाँ पे पीसेस कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने पिलो कवर से इसको कट कर लिया है। और अब हम इसमें इस तरीके से इसकी भी पीसेस कट करेंगे, जो हमने एक पार्ट रखा हुआ है उसका, तो उसको भी हम इसमें कट कर लेंगे। और करने के बाद हम इसका एक पार्ट लेंगे जो हमने स्क्वायर शेप में कट किया है, और एक पार्ट हम अभी हटा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो इसका मैं मेथड बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे जॉइंट करना है इसमें। तो सिंपली हमें करना क्या है, बस इसको लेना है और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी दूरी पर हमें इसको रख देना है। ये देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसमें पिंस लगा सकती हैं और फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर से हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये इसकी स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में सिलाई आनी चाहिए और ये इसमें जॉइंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 या 4 इस तरीके से पीसेस लगा लेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लगाते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप्स लगाई है, और फिर उसके बाद हम इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद हम इसमें इसकी स्टिचिंग इस तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए, और फिर उसके बाद और भी हम सारी स्ट्रिप्स इसमें लगाते जाएंगे, जिससे कि ध्यान रखें फ्रेंड्स, स्ट्रिप्स लगाते टाइम आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको गैपिंग ना दें, बिल्कुल एकदम सटा कर इसकी स्ट्रिप्स को लगाएं, जिससे कि इसमें डिफरेंस ना हो। और थोड़ा सा आप चाहें तो स्ट्रिप के ऊपर रख कर इसकी स्टिचिंग करें, जिससे कि ये बिल्कुल इस तरीके से लगे और इसमें गैपिंग ना आए। तो ये देखिए, मैंने इसको एक लाइन बना ली है, और इसी तरीके से हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए ये वाली जो नीचे वाली स्ट्रिप है हमें उसको उठा लेना है, ये जो नीचे का है पोर्शन हमें उसको इस तरीके से हाथ से उठा लेना है, और फिर यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप्स हमें लगानी स्टार्ट करनी है। तो दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ से दूसरी लाइन में लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसको उठाकर
यहाँ से हम दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो दो कॉम्बिनेशन में, दो कलर के कंट्रास्ट में आप इसको बना सकते हैं, या तो फिर आप एक कलर में ही पूरा बना सकते हैं, या तो फिर आप इसमें दो तीन लाइनिंग अलग से लगा सकते हैं। तो आप जिस तरीके से भी इसको चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन से। आप चाहे तो पहले स्केल से आप इस पर लाइनिंग ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद आप स्ट्रिप्स को लगाएं, जिससे कि आपको ईज़िली ये लग जाएगा। और ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए दूसरे कलर का जो मैंने स्ट्रिप्स कट किया था उसको भी मैंने एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंट्रास्ट में इसको बना सकती हैं। आप चाहे तो मल्टी कलर यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास बेकार कोई भी कपड़े हैं तो आप इस तरीके से मल्टी कलर में भी इसको बना सकती हैं। और पूरा मैं यहाँ पे दो कंट्रास्ट में बना रही हूँ इसको। तो ये देखिए ये बन गया है, और ये बनकर इस तरीके से इसका लुक आएगा। और अभी मैंने एक इसका पार्ट ज्वाइंट नहीं किया है, बस एक पार्ट है इसका। और अब हमने जो दूसरा वाला पार्ट कट किया था उसको हमें लेना है और इस तरीके से इसमें ज्वाइंट करना है। तो दूसरे वाले पार्ट को हमें लेना है और सबसे पहले हमें इसको 20 से हाफ कर देना है। तो यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हम बराबर से इसको हाफ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और हाफ करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हम ये वाला जो कॉर्नर है हमारा, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोनों मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसके साइड साइड का इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है उल्टा करके, जिससे कि एक दूसरे में ये ज्वाइंट हो जाएगा। एक यहाँ पे छोटा छोटा नॉट लगा लेना है हमें। तो ये देखिए ये इसमें ज्वाइंट हो गया है। और अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमें सीधा रखना है, और जो ऊपर वाला पार्ट है हमें उसको उल्टा करके रखना है, जिससे कि हम इसकी स्टिचिंग कर पाएंगे। और फिर यहाँ से हम, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है 2 इंच का, लगभग 1 इंच का। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कपड़ा छोड़ दें और फिर यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग पूरी चौकोर में कर देंगे और पूरी हम इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहे तो पहले सुई धागे से इसको लगा लें और फिर उसके बाद आप इस पर पक्की सिलाई कर दें। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा यहाँ पे पिलो कवर। तो इसको आप कुशन में इस तरीके से लगा सकती हैं। और साइड से हम, आप चाहे तो 2 इसके पीसेस बना सकती हैं अलग अलग, और इस तरीके के DIYs आप घर पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसमें कवर कर दूँगी कुशन में। तो ये देखिए कि बनकर डिज़ाइनर कुशन आपका रेडी हो गया है, और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, आप चाहे तो पहले स्ट्रिप्स को सारी एक में ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद आप इस तरीके से इस पर लाइन बाई लाइन लगाते चली जाएं। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकती हैं। 2 तरीके से ये बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और विश यू हैप्पी मैरी क्रिसमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।